लोग का इजी हो जाएगा। तो पहले तो आपको रूल्स बता देता हूँ। रूल्स ये है गाइस कि हम सब लोग, आप सबको पता है कि कंसिस्टेंसी ही गुरुकुल का सबसे बड़ा रूल है, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, पहली चीज। डेली आपको क्लास लेना है, ठीक है, एटलीस्ट 80% अटेंडेंस देना है। बहुत रिलैक्स आपको दूंगा, मंडे टू फ्राइडे आपको हॉलीडे भी दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सॉरी, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलूंगा और सैटरडे संडे हम लोग हॉलीडे करेंगे, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं है, बिल्कुल छुट्टी है। बट जितने दिन रेगुलर रहना है वो रहना ही रहना है, इसको प्रयास करना है। मतलब मंडे टू फ्राइडे नो हॉलीडे, ठीक है, इस चीज को प्रयास करना है। दूसरी चीज, डेली हमको असाइनमेंट्स करना है। अगर असाइनमेंट्स एक दिन भी लेट करोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें धीरे धीरे लॉस होने लगेंगे आपके। लॉस कैसे होने लगेंगे, एक स्टेज छोड़ा, ठीक है, मान लो ऑटोकैड में आपने प्लानिंग वाला क्लास नहीं अटेंड किया या फिर प्लानिंग पर प्रैक्टिस नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, सेक्शन एलिवेशन कहाँ से सीख पाओगे? और सेक्शन एलिवेशन नहीं सीख पाए तो डिटेल ड्रॉइंग कैसे बनाओगे? डिटेल ड्रॉइंग नहीं बना पाए तो ऑटोकैड तो चला गया, पूरा का पूरा खराब हो गया ना, ठीक है। सेम ऐसे रेबिट में होगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक एक फोकस करके कंसिस्टेंसी से एक भी स्टेप को छोड़ना नहीं है। मैं आपके लिए जो कोर्स डिजाइन करूंगा ना, ऐसा कोर्स रहेगा कि आप खुद बोलोगे कि सर मुझे जो जो चाहिए था सब मिल गया, ठीक है। इवन बीच में आपको 15 से 20 दिन के बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ अभी आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो बोलोगे सर इस एरिया में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उस एरिया का पूरा फोकस करके उस एरिया की चीजों को आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो मैं ऐसा वाला डॉक्टर हूँ जो क्या बोलते हैं, किताबें पढ़ के नहीं मतलब कि डॉक्टरी करता है, बस आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मुझे बहुत कुछ आ रहा है, आप सबको ही पता है, थोड़ा बहुत आता है मुझे, तो अगर मैं वो सब पढ़ने लगा जो आपको चाहिए ही नहीं तो मजा नहीं आएगा। हमें वो चाहिए जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो आपको चाहिए, दोनों की रिक्वायरमेंट मैच करनी है, दैट्स इट। तो चलो, और दूसरी चीज हमें क्या करना है, आप सबको रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी क्लास के अटेंड करने के बाद, बट उसका मिस यूज नहीं करना है। अब बोलो सर मिस यूज कैसे? मतलब मिस यूज मतलब कि आप ये सोचो कि मैं क्लास नहीं अटेंड करता, डायरेक्ट लाइव रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ, फिर बिलीव करो फिर तो आप क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? फिर गुरुकुल का मतलब ही नहीं समझ पाए। यहाँ पर रिकॉर्डिंग तब देखना है जब कहीं फंस गए, कुछ रिपीट करना है तब आपको रिकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। डेली 3 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग आपको आ जाएगी। और क्या बोलते हैं, इस दूसरी चीज, आपको वीडियो कोर्सेज भी मिल जाते हैं जिसमें से हम लोग पूरा 1.5 घंटे का हम लोग का ये रहेगा। इसके अलावा घर पे प्रैक्टिस रहेगा। तो कैसे 1.5 घंटे करेंगे? पहला हाफ एन आवर क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ आपको असाइनमेंट दूंगा और आपका असाइनमेंट चेक करूंगा। नेक्स्ट हाफ एन आवर क्या करना है, नेक्स्ट हाफ एन आवर आपको क्या बोलते हैं, कुछ न कुछ टेक्निकल टॉपिक्स डेली हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि एक दिन हम लोग एलओडी के बारे में पढ़ेंगे, एक दिन हम लोग बीआईएम 2D 3D क्या होता है, बीआईएम का ओवरफ्लो क्या होता है, बीआईएम 360 क्या होता है, स्कैन टू बीम क्या होता है, ऐसे करके बहुत लंबा सा टेबल है ये, लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद बिल्डिंग बाय लॉ क्या होता है, रेरा क्या होता है, कॉलम ओरिएंटेशन क्या होती है, बीम की डिटेलिंग्स क्या होती हैं, ये पूरा का पूरा आधा घंटा जो होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन इसको बोलते हैं, ये करेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट हाफ एन आवर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम होंगे। आप जो वीडियो कोर्स को वॉच किया, आज सपोज हमने लेक्चर असाइन कर दिया कि आपको लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 वॉच करना है, तो वो जो वॉच किया है आपने उसका आपको आंसर बताना है कि एग्जैक्टली सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आई इस वॉच करने में। तो उससे क्या होगा कि आपके प्रॉब्लम्स को धीरे 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 करके उस आधे घंटे में सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से रहेगा। तो 1.5 घंटा ये चाहिए और 1.5 घंटे का लेक्चर आपको डेली लगभग वॉच करने के लिए दिया जाएगा। तो 1.5 घंटा हो जाएगा 3 घंटा, और 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करने के लिए लगेंगे। स्टार्टिंग में तुमको 2-3 घंटे लग सकते हैं, हो सकते हैं 4 घंटे भी लग जाएं। रीजन ये रहता है कि अभी हमारा माउस पे किसी का हाथ सेट होगा, किसी का हाथ सेट नहीं होगा, तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम, ठीक है, वन बाय वन थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो काम 3 घंटे में कर रहे हो, एक हफ्ते बाद ये फिक्स है कि उसको 2 घंटे में आप कर लोगे, और हो सकता है 2 हफ्ते बाद केवल केवल 1 घंटे में कर लो। तो मतलब कहते हैं ना कि जितना काम करते जाते हैं उतना हमारा प्रैक्टिस होता चला जाता है। और सबसे बड़ी चीज, आप लोग एक गलती मत करना कि क्लास में लेट आने का। लेट आओगे तो क्या होगा कि आपका जो मेन पोर्शन है अगर वो निकल गया, फिर आपको दिक्कत क्या हो जाएगी कि वो ना बेस निकल गया, आप ऊपर की वॉल के बारे में क्या समझोगे। सो इस रिक्वेस्ट कि आपको .10:30 पे, मतलब कि क्या बोलते हैं, डॉट पे करोगे तो आपका बेनिफिट रहेगा और आपको पता रहेगा अच्छा इस टाइम पे मुझे ये करना है। तो रिमाइंडर लगा लो दिमाग में, या फिर अलार्म वगैरह जो भी आप व्यवस्था करना चाहो कर लो, आपको क्लास डेली लेना है। अब मुझे शॉर्ट इंट्रोडक्शन चाहिए आपका बैच स्टार्ट होने से पहले कि हम किस ईयर पास आउट हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना पड़ेगा, और जिससे कि हमें सबकी रिक्वायरमेंट को मैच करना है, ठीक है। और वो हो जाएगा क्योंकि मैं एकदम बेसिक से चलने वाला हूँ। तो किसी को मान लो थोड़ा बहुत जैसे नॉलेज होगा इन केस, तो ये नहीं सोचना है कि सर इतनी सिंपल सी ड्रॉइंग ऑटोकैड की बनानी, हाँ यार बनानी है,
क्यों? क्योंकि सिंपल ड्राइंग में भी कुछ ना कुछ मिस्ट्री होगी, फिर धीरे धीरे टफ आएगी, धीरे धीरे टफ आएगी। अपना लेवल ऐसे होता है, धीरे धीरे टफ करेंगे, पता भी नहीं चलेगा और कहाँ तक पहुंच जाएंगे, फिर लगे अरे नीचे जब देखोगे इतना कुछ आ गया हमको। तो हमें क्या करना है, डेली जो वीडियो वॉच करेंगे ठीक है, उस वीडियो का लिस्ट बनाना है ठीक है। सपोज आज आपने ऑटो कैड पढ़ा, ऑटो कैड में लेक्चर नंबर वन आपका असाइनमेंट हो गया, आज तो नहीं है कल से होगा लेक्चर नंबर वन। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं आपके आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट लिखने के लिए डायरी में लिख रहा हूँ, तो आपको ऐसे ही अपनी डायरी में ऑटो कैड लेक्चर नंबर वन में सर ने क्या पढ़ाया, ओके ये पढ़ाया था। ऑटो कैड लाइव लेक्चर में क्या, मतलब गुरुकुल के लाइव फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया सर ने, ये पढ़ाया था। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी जो जो प्रिपरेशन है, जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि इतना कुछ मैंने सीख लिया। तो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि यार इतना कुछ तो मुझे सर ने सिखा दिया और उसके बाद एक्स्ट्रा मैंने ये सीख लिया, अब तो मैं परफेक्ट हो गया। तो ऐसा हमें डेली करना है ठीक है। जब डेली ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा नॉलेज बूस्ट हो जाएगा। तो चलो पहले अब एक एक करके से बात करते हैं, फिर आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है। ऐप में कल से क्लासेस चलेंगी, तो ऐप में कैसे रजिस्टर करना है उसके लिए मैं आपको अभी छोटा सा वीडियो शेयर करूंगा 1 बजे के आसपास, उस वीडियो को देख के आप कर सकते हो ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, और क्या बोलते हैं, पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं संजीव कुमार से। संजीव जी अपना माइक ऑन कर लेना। हाय सर, हेलो गुड संजीव, मॉर्निंग गुड मॉर्निंग संजीव। तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? सर। मेरा 2013 है सर। 2013 है, और अभी एग्जैक्टली उसके बाद क्या, थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में बता दो शॉर्ट में। हाँ सर, एक्चुअली सर मेरे एग्जीक्यूशन में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 8 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। ओके और मैं एज अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर, जो लास्ट टाइम तो मैंने एज अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर पी है इसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम किया था। करेक्ट। तो उसके बाद कुछ पर्सनल इशू, मैं बाहर था तो घर पे पर्सनल इशू थे, तो मुझे वापस जॉब से रिजाइन देना पड़ा रीजन और अभी घर पे हूँ और खुद का डिजाइनिंग कर रहा हूँ, जैसे ऑटो कैड हो गया या फिर ऑटो कैड में हो गया और 3ds Max में हो गया। ग्रेट। अभी तुम्हारा एम क्या है और इसको बड़ा करना है? एक्चुअली सर प्लानिंग तो एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर आगे M.Tech करने की, अभी B.Tech, एक्चुअली आई एम अ B.Tech होल्डर, तो अभी M.Tech करने की सोच रहा हूँ। साथ के साथ में खुद का काम तो थोड़ा बहुत मतलब जैसे चल ही रहा है अभी फिलहाल, तो करेक्ट। साथ में BIM भी हो जाएगा तो और आगे बढ़िया रहेगा उसके लिए। मतलब तुम कीप लर्निंग वाले एक्टिवेट इंसान हो, राइट? हाँ यस सर। ग्रेट, चलेगा। तो ये तुम्हारा एक्सपीरियंस। ओके संजू, थैंक यू। और तुम्हें कुछ पूछना है अपने से, मेरे से कुछ पूछना है? हाँ सर, एक्चुअली मैं सर ये पूछने चाहता हूँ कि जो भी हमारे हमारे जो रोज के मॉर्निंग में लेक्चर होंगे, क्या करेक्ट। वो आज आज के दिन ही अपडेट हो जाएंगे हमारे आज पास, के दिन ही जैसे अपडेट आप हो जाएंगे, आज के दिन ही एक्चुअली क्या, 3 घंटे के अंदर आ जाएंगे। हाँ एक्चुअली क्या है ना सर, मतलब जब हम रिवाइज करते हैं तो साथ के साथ वीडियो चला के साथ ही रिवाइज हो जाता है ना, तो वो बढ़िया रहता है, उसमें रिवाइज करेक्ट। करने में बहुत आसान लगता है सर। देखो उसमें कैसे होता है कि उसको, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, ये पूरा जो लेक्चर होता है ये तो गूगल मीट पे तो डिस्कशन चल रहा है, ऐप पर जो होता है उसको रेंडर किया जाता है। तो वो रेंडर कैसे होता है, ऑटोमेटिक क्लाउड से होता है, तो जितना बड़ा वीडियो रहेगा उतना टाइम लगता है, बट जनरली जो देखा जाता है 3 घंटे के अंदर आ जाता है। ओके ओके सर, ठीक और है, इसके लिए हमें हमारे साथ में आप लोग कोई शेयर करोगे ना कल कल सर? आप अभी अभी 1 बजे आप ऐप के अंदर ऐड हो जाओगे। ठीक है, ओके ओके सर, और अभी ओके एक एक कॉल मेरे तरफ से जाएगा भी, आपको कुछ डाउट रहेगा उसके लिए। ठीक है, ठीक तो क्या सर, बोलते हैं, मेरे तरफ से या फिर मेरे टीम की तरफ से भी जा सकता है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा तुमको। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू। चले। ओके चलो, अभी हम नेक्स्ट लेंगे जैद का। जैदुल्ला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जैद, आप कहाँ से हो एग्जैक्टली? सर मैं महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट अकोला, ओके वहाँ अकोला पे एक से, शहर है डिस्ट्रिक्ट अकोला में मुर्तिजापुर, वहाँ पे प्रॉपर हूँ मैं मुर्तिजापुर का। ओके। तुम जॉब लोकेशन क्या प्रीफर कर रहे हो? सर पुणे मुंबई। पुणे मुंबई, ठीक है ओके चलेगा। तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? ट्वेंटी सर 2022। 2022 ओके, अभी जस्ट पास हो। ये बी किया है तुमने? ये सर बी ए किया है। ओके, और तुमने इधर कुछ अभी सीखा हुआ है थोड़ा बहुत पहले? हाँ सर मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है, जैसे ऑटो कैड हो गया, रेवित हो गया, गूगल स्केचअप, ई टैब, एस्टिमेटिंग प्लानिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, क्वांटिटी सर्वे, डेट एनालिसिस, बेसिक सर्विंग, बड़े विद्वान आदमी हो और भी यार। बहुत सारी चीज़ें हैं। लॉकडाउन में मैंने भरपूर मजा लिया इसका, लॉकडाउन का। वेरी गुड, लॉकडाउन का मजा लिया फिर नॉलेज का मजा लिया। हाँ सर नॉलेज का मजा लिया है सर। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया, अच्छी चीज है। देखो कीप कंटिन्यूटी वाली जो लर्निंग होती है सबसे बेस्ट होती है। ठीक है मैं समझ गया, तुम्हारा अभी बी जस्ट तुमने किया है, अब तुम जल्दी से जॉब पाना चाह रहे हो, उसके लिए तुम्हें स्किल्स डेवलप करना है, राइट? ठीक है, यस तो अभी तुम और रेबिट भी सीखा तुमने? यस सर। रवि मतलब आधा हो गया है। हाँ चलेगा। हाँ
ओके ठीक है, बस इतना। तुमको मेरे से कुछ पूछना है? नहीं सर, अभी तो कुछ पूछना नहीं है, ओके okay, आगे मतलब आगे जब लेक्चर शुरू हो गए तब पूछूंगा। तब तो स्टार्ट ही होगा, तब तो डेली पूछना है। हाँ ठीक है हाँ चलेगा। ओके ठीक है। ओके सर। शुभम, शुभम अपना माइक ऑन कर लेना। हाँ सर, हाँ शुभम, तुम तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तुम तो पुणे मुंबई तुम भी प्रीफर करोगे ना? हाँ सर, मैं एक्चुअली नागपुर से बिलोंग करता हूँ, एंड हाँ सेकंड प्रेफरेंस पुणे ही रहेगा, मतलब ओके पुणे नागपुर, नागपुर पुणे। ओके सो फिर पुणे में भी मिल जाता है सर जॉब, सो कोई इशू नहीं है कोई सुन नहीं है। नागपुर में सर। तुम मैं टेक्सचर में हो जाए या फिर ऐसे कंपनी में जाए तो अच्छा रहेगा ना? जी सर, आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने मतलब बताया था कि एक स्टूडेंट है हमारे, वो टेक्सचर में लगे हैं, और एक सर नहीं ऐसे मतलब में स्टूडेंट नहीं, एक नहीं बोलूंगा, लगभग 7 या 8 है उस कंपनी के जो हमारे ही इम्प्लॉई क्या बात है सर, क्या बात है। है। मैं काफी सर इंस्पायर हुआ वो सीवी वगैरह पढ़ के, और काफी अच्छा लगा सर। हाँ, बाकी सर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं एक्चुअली ये ड्यू टू कोविड सिचुएशन बिकेम काफी स्ट्रेसफुल हो गया था मेरे लिए उस टाइम पे। करेक्ट सो ये जो एजुकेशन है काफी डिले हो गया, फोर्थ ईयर वगैरह मेरा हो चुका है फाइनल ईयर। सो ओके ये जो कुछ बैकलॉग्स थे सर वो क्लियर हो नहीं पाए थे। ओके सो अभी भी लाइक कुछ बैकलॉग्स मेरे हैं, वो लाइक दिसंबर तक उनका एग्जाम होगा, तब तक हो जाएगा। और रही बात ये बैच की, जो सर मैं काफी लकी था कि मैं डिस्कवर कर पाया आपकी बैच, आपका चैनल सर मैं इसके पहले नहीं जानता था आपको, तो काफी सर वो मतलब आपका चैनल मैं डिस्कवर किया, और जस्ट अभी 7 तारीख को ही आपने एडमिशन करा दिया मेरा सर। ओके सो काफी लकीली इसमें मैं एनरोल हो गया। सो सर जो मेरा गोल है आगे का इस वक्त सर, अब अभी यहाँ पे सभी लोग बात कर रहे हैं, तो मैं भी हाँ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए यही है, डिस्कशन के लिए ही है, बोलो। जितना हो सके उतना ओपनली फ्रीली बात करता हाँ हूँ। हाँ एजुकेशन तो सर मैं वैसे छोड़ने की सोच रहा था वैसे, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया था मेरे लिए ये, और फाइनेंशियल इश्यूज और वो सब। लेकिन खैर, क्योंकि सर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो साइट पे एक्सपीरियंस लिए होंगे, किन्होंने कहीं पे एक्सपीरियंस लिए होंगे। सर मैं शायद सबसे कमजोर बच्चा रहूंगा आपके बैच का, क्योंकि मेरे को सर कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे प्रैक्टिकल सर। मेरे करेक्ट पिताजी खुद पीडब्ल्यूडी में थे, लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है सर। सो मैंने खैर डिसाइड किया कि बिम जो है इसमें यार अपना सॉफ्टवेयर वर्क होता है, और रही करेक्ट बात एंटरप्रेन्योरशिप की, तो कहीं ना कहीं उस मार्ग में भी मैं जा सकता हूँ। लेकिन सर सिखाने वाला कोई नहीं और मेंटर कोई नहीं, सो कोई गाइडेंस नहीं थी। आपकी वीडियोस देख देख के थोड़ा बहुत इंस्पायर हुए, तो बड़े भैया से बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं यार इनका प्रोग्राम आप कम से कम ज्वाइन कर लो। सो आगे का सर जो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारा फिर रिक्वायरमेंट क्या है, तुम क्या है दिमाग में तुम्हारे, तो वो ऐसा करेक्ट है सर, अभी तो सर बिम में आपके साथ अंडर में पढ़ना चाहता हूँ पहली चीज तो ये। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है कि कल ही नौकरी लग जाए, क्योंकि करेक्ट सर काम सीखना बहुत जरूरी है पहली चीज तो ये। पता चला कंपनी में गए लेकिन बोलने के लिए कुछ नहीं। सो सर मैं 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जो भी है हमारा ये कार्यक्रम, उसमें मैं एकदम रिफाइंड होना चाहता हूँ, क्योंकि आज की तारीख में सर अगर आप बोलेंगे कि स्किल्स क्या है आपके पास, मैंने सीखा है सर ऑटोकैड और रेविट आर्किटेक्चर, जैसे बाकी सारे हमारे दोस्त यहाँ पर है उन्होंने भी सीखा होगा, वैसे मैंने करेक्ट सीखा है। लेकिन फिर सर उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं उसमें टेक्निकल काफी एक्सपर्टीज हासिल कर लिया है कुछ सर, ऑनेस्टली बोलूंगा सर। सो आपके हाथ के अंडर मैं रिफाइंड होना चाहता हूँ, आपके अंडर गाइडेंस के मैं कंसेप्चुअल चीजें भी स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। सो क्या है सर जो मेरा रेज्यूमे है जो आज के तारीख में खाली है वो भर जाए, और सामने वाले को भी ये भरोसा हो जाए मेरा पोर्टफोलियो या रेज्यूमे देख के कि नहीं भैया इसको हम लाइक थोड़ा लग बहुत सकते हैं। लग सकते हैं, और उसके बाद सर आपसे मतलब सीख जाऊंगा मैं, तो फिर मैं अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो मेरा विजन है उसको भी मैं फुलफिल कर पाऊंगा सर। वेरी गुड, सर ओके बहुत अच्छा है इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन। देखो हमें जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हो गया ना कि आप डॉक्टर के पास गए और उसको बोले दवाई दे दो, ठीक है किस चीज़ की, ठीक है वो बताना बहुत जरूरी है ना, किस चीज़ की दवाई। ठीक है तो हमें समझना पड़ेगा भाई पेट की दर्द है, पेट में भी किस एंगल पे दर्द कर रहा है, ठीक है क्यों दर्द कर रहा है ये बताना जरूरी है। जैसे इन्होंने बोला कि ये क्या बोलते हैं एफिनिटी स्टडी के बारे में सोच रहे थे कि स्किप कर दे, तो उसका मेन रीजन क्या था, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था चीज़ों में और मज़ा नहीं आ रहा था चीज़ों में। जब मजा आना स्टार्ट हो जाता है ना तो आप उसको एंजॉय करते हो, ठीक है। मैं मतलब आपके सामने सोचो कि अभी सुबह से वैसे बैठा हूँ, ठीक है, और अभी मेरी एनर्जी में कहीं पे भी थोड़ी कमी भी नहीं दिख रही होगी, प्रॉपर है, और मॉर्निंग रात को लगभग 1 बजे तक मैंने स्टडी किया है और करवाया है, और सुबह मैं 7:30 से कर रहा हूँ। तो मतलब कि आपको बीम के अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको बस इतना काम करना है शुभम कि कभी भी आप क्लास स्किप नहीं करेंगे, ये आप गारंटी दे दो, बाकी मैं कर दूंगा, बिल्कुल सर, ठीक है इस चलेगा। और कुछ बताना है?
सर कुछ नहीं, बस इतना ही था। मतलब मैंने कोशिश बहुत की, खुद खुद से मैं सीख जाऊं काफी काम, करेक्ट लेकिन सर क्या है, आप कर लें जितने प्रयास करना है आपको, आप यंग होते हैं, लेकिन सर मेंटर की जरूरत तो लगती है उस केस में। सो मैंने बीच में क्लासेस ज्वाइन भी की थी यहाँ पर, बताया था सर आपको, आप फंस करेक्ट पड़े है, थे कि मुझे सब पता अरे है। अरे ये तो डिप्लोमा नहीं है, ये तो आपको बेवकूफ बनाया गया है फिर। तो सही, सर मुझे पता उस है सब। टाइम लेकिन कैसे होता है कि हम चाहते थे कि थोड़ा वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर हमारा एक दूसरे से होगा ना, देखो क्या होता है, कम्युनिटी के साथ जुड़ के जो ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल सर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई क्लास चला रहे हैं। क्लास चलाना फिर तो कोचिंग हो गया ना, वो हम कोचिंग नहीं चला रहे हैं, ठीक है, हम गुरुकुल चला रहे हैं। तो गुरुकुल में क्या है कि हम कम्युनिटी का बेनिफिट उठाएंगे। हो सकता है संजीव का कोई एक्सपीरियंस तुम्हारे काम में आ जाए, तुम्हारा कोई कोई एक्सपीरियंस जैदुल्ला के काम में आ जाए, उनका कोई एक्सपीरियंस अभिषेक के काम में आ जाए। मतलब हमें एक दूसरे के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना है, शेयर करना है सर। ठीक है। तो इसलिए यही गुरुकुल का मतलब ही यही है कि यहाँ पर एक साथ हम लोग कनेक्ट होके एक दूसरे से कन्वर्सेशन। अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग कम्युनिकेशन की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो वहां पर आपको ऐसे टॉपिक्स दिए जाएंगे जिस टॉपिक्स में आप एक दूसरे के थिंकिंग को समझ पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें करेंगे, चलो उसके तो हम लोग डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है। सर बस एक चीज हाँ बोलो, सर, बस एक ही मैं छोटा सा हाँ बस बोलो बोलो बात करना बोलो, कोई नहीं। चाहूंगा। ये सर कुछ नहीं सर, कॉलेज जाना पड़ता है तो एक दो लेक्चर अटेंड करने के लिए, तो बस दिक्कत ये हो जाती है, मतलब अभी टाइम टेबल तो आने का है वैसे, करेक्ट, बट यूजुअली मेरे लेक्चर जो है वो 11 से लाइक 1 के बीच में स्केड्यूल रहेंगे, और कहीं ना कहीं कोइंसिडेंटली हमारा क्लास भी उसी टाइम पे होता है सर। कहीं नहीं आगे जाके ये शाम को हो सकता है क्या शाम को बैच? ही होने वाला है, शाम को ही होने वाला है ये बैच, अच्छा ठीक है, अच्छा इवनिंग में ही होगी। लेकिन अभी जो करंट बैच चल रही है वो फिनिश होने के बाद, अच्छा अच्छा सर, तो लगभग एनी एक आइडिया एक सर महीने एक ये? एक महीने एक महीने। ठीक है सर, तब तक हम एडजस्ट कर लेंगे हाँ सर। थैंक चलेगा, यू ओके थैंक यू। ओके। नाउ नेक्स्ट वेलकम विथ अभिषेक कटरे। अभिषेक गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अभिषेक, तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? 2021 21। और तुमने तो ऑटोकैड सीखा है ना, यस सर। और क्या सीखा है? सर एक्चुअली आज स्टडी अबाउट ऑटो कैड अंडर योर गाइडेंस ओके okay. एज यू नो दैट, हाँ एंड आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीट जस्ट ज्वाइंड योर रेविट क्लासेस, बट उसमें थोड़ा सा नहीं हो पाया, मेरे से कंसिस्टेंसी करेक्ट नहीं हो पाई, इसलिए मैंने आपका बोला कि मुझे अगस्त बैच ज्वाइन करना है अभी। करेक्ट चलेगा। तो अभी कंसिस्टेंटली बना लोगे ना आप तो? बिल्कुल सर, अभी हाँ, अब मैं ये इस मत बार बोलना कि कर सर रहा अगली वाले में कर देना। हूँ। नहीं नहीं तो इस बार नहीं। चलेगा, चल तुम्हारे बारे में तो मैं जानता हूँ, तो चलो इसको इसे स्किप करते हैं, ठीक है, चलेगा। ओके प्रियदर्शी, इसका ये भी मेरा ओल्ड स्टूडेंट ही है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रियदर्शी, तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? सर 2022 प्रेजेंट, 2022। यस सर। और तुमने इसका अभी मैंने डिप्लोमा भी किया हुआ है 2018 ओके में। 2018 में किया है क्या? यस सर, यस सर। ओके एंड सर उसके बाद मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन एंड डिपार्टमेंट में, सर्विंग डिपार्टमेंट में ओके मैंने एज अ वैल्यूअर इंजीनियर, ड्राफ्टिंग इंजीनियर का काम किया है। ओके यस वैल्यूअर के काम सर, में। यस सर। सर एक्चुअली 3D मतलब बीम वगैरह का पूरा उतना नॉलेज मेरे को नहीं है, ओके लेकिन बस यही है कि मैंने आपके से ऑटो कैड किया था ओके जुलाई के बैच में करेक्ट कोविड में। यस करेक्ट सर, उसके बाद से फिर मैं अपना खुद का जैसे जॉब छोड़ दिया था बीटेक की वजह से, देन करेक्ट अपना साइड बाय साइड मैं अपना काम कर रहा था, प्लानिंग करेक्ट का, फिर किसी का स्ट्रक्चर वगैरह का काम मिल गया, देन करेक्ट उनका स्ट्रक्चर में सुपरविजन करना, बनवाना, वो करेक्ट सारा, ये सब काम अभी भी चल ही रहा है सर। अभी ऑनगोइंग 3-4 प्रोजेक्ट है जो चल ही रहे हैं, और अभी तो सर अभी बीच में, अभी पिछली बार भी बात हुआ था आपसे बीम के मतलब फार्मेसी कॉलेज का कुछ था मेरा। करेक्ट यस सर, तो उसमें भी बस यही था चलेगा। अभी इन्वॉल्वमेंट अभी तुम बात। जॉब पे फोकस करोगे ना पहले? हाँ सर, बस अब हो गया पढ़ाई। हाँ चलेगा चलेगा। तो सर, अभी तुम यहाँ दिल्ली के तरफ ही करना चाहोगे, दिल्ली दिल्ली नोएडा में जॉब देखोगे, हाँ सर, नहीं सर, मुंबई, पुणे, दिल्ली, नोएडा, कहीं पे भी। कहीं पे भी मतलब पैसा यस कमाना है? सर, हाँ सर। अब हाँ काम करने के लिए घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। सही बात है, वो एक मीन साथ। एक्सपीरियंस हो गया, स्टेबल हो गया, तो फिर कहीं कहीं भी लग सकते हैं आराम से। हाँ वेरी गुड, यस सर, शुरुआत में सर ऐसी कोई नीड नहीं है कि कहीं पे भी, पैन इंडिया हाँ कहीं पे भी हो काम चलेगा। वेरी गुड, फ्लेक्सिबल हो, यस सर, ओके चलेगा। क्योंकि एक्चुअली मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि जब हम बीच बीच में हम जॉब के लिए भी रेफरेंस भेजते हैं ना, तो रेफरेंस वहीं का भेजते हैं जहाँ का लोगों को एक्चुअल में ज्यादा नीड होती है, ठीक है। तो जी 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 उससे हेल्प होता है। प्लस अगर मैं तुमको ऐसी जगह बताऊँ जहाँ कोई किसी को जाना ही नहीं, तो मेरा भी मेहनत खराब गया, तुम्हारा तो गया ही गया, जी 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 बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है चलेगा। जी सर।
बाकी तो तुमको मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा, तुम्हें सब पता ही है। नहीं, यस ठीक सर, है ओके चलेगा। तो अभी हम ओके, ओके आदि आप अपना थैंक यू सर। ओके द मोस्ट वेलकम। आदि अपना माइक ऑन कर लेना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आदि। क्या बोलते हैं आप, किस लोकेशन से हो? पुणे पुणे से। और क्या सर। बोलते हैं आदि, तुम्हारे हमसे बात होने वाली थी ना, तुम एक्चुअली वहां पे भी इंटरव्यू देने भी गए थे ना, नहीं तुम सर, मैं बात नहीं कर नहीं रहे थे सर, ना? मैं ओके चलेगा, नहीं नहीं सर, ओके आदेश। कोई ओके। हाँ तो तुम्हारे यहाँ बारिश बहुत हो रही होगी, अभी पुणे में बारिश ही चल रही है। तो आदि ये बताओ तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? इसका नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मुझे आदि, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है तुम्हारा। आज यहाँ बारिश बहुत हो रही, तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। आवाज आ रही है मेरी? चलो इसका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही है पुणे में। चलो अभी तुम्हारे से बाद में करता हूँ, तब टू तक आवाज नहीं आ रही हाँ, आदि। अभी हुआ पास अभी आउट आ रही, अभी आ रही, अभी आ रही, बोलो। 22 है सर। 22 है, ओके ग्रेट। यस सर। और तुमने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह पहले कुछ सीखा हुआ है क्या? यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके चलेगा, ठीक है, बस इतना ही जानना है आदि। बाकी क्या बोलते हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके चलेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट यहाँ पर पहले हम बात करते हैं, शुभम से तो हो गया, संजीव से भी हो गया, मिश्रा जी, मिश्रा, प्रवीण, तुमसे बात हुई मेरी? नहीं, प्रवीण से नहीं। प्रवीण अपना माइक ऑन कर लेना। प्रवीण, हेलो, गुड हाँ मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया हैं सर। ओके प्रवीण, तुम्हारा अभी क्या बोलते हैं पास आउट ईयर क्या है? सर पास आउट ईयर 2015। 15। और उसके बाद तो तुमने वो गवर्नमेंट का प्रिपरेशन किया था ना? जी सर, गवर्नमेंट का प्रिपरेशन, कुछ दिन साइट इंजीनियरिंग का जॉब किया था। साइट हाँ इंजीनियरिंग सर वही अपना, कुछ करेक्ट जमता नहीं है सर। करेक्ट, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में सर कई सारे एग्जाम सर फाइनल तक पहुंच के मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर उसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं करेक्ट हुआ है करेक्ट, सर। अब मतलब जैसे होता है ना सर, करते करते एक लिमिट क्रॉस कर जाती है गवर्नमेंट की, आखिर कब तक। तो कब तक? अब तो वही सर फेज आ गया। अभी भी मैं दूंगा एग्जाम, अभी आने वाले हैं, ऐसा नहीं हाँ कि छोड़ूंगा, पर प्रपोज साथ कर, साथ में प्रपोज कुछ एक्स्ट्रा चलना कर, चाहिए। प्रपोज कर रहे हो, कोई एक्सेप्ट नहीं करा, कितने बार प्रपोज करे, अब नहीं करेंगे है ना, जी सर, अब जी मंजिल सर। बदल देंगे, पैसे कमाएंगे। हाँ पैसे कमाएंगे सर, वही है सर, यही सब चल रहा चलेगा है सर। चलेगा, सॉफ्टवेयर की बात रही तो ऑटो कैड, स्टेट प्रो और रेविट, ये सब सीखे हैं सर। रेविट में चलेगा, आर्किटेक्चर ही। अब ओके वही ना ओके सर, अभी आपका हाल ही में एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बोला था, कोई अगर ओके कहता सॉफ्टवेयर कोई कितना सीखा है, तो आपने बोला था उससे पूछ लो कि आप सबमिट कर पाते हो या नहीं। तो करेक्ट सर वही है कि मतलब उतना ही आता है, पर उधर सबमिशन लेवल का, उस लेवल का वो नहीं आता है। करेक्ट, वही सारी चीजें सीखनी है चलेगा ओके। तो बाकी तो मुझे पता है तुमसे बड़ी बात हो ही चुकी है, तो बस जी एकदम सर। मुझे जी एक्चुअली सर मुझे जानना होता है सबके बारे में, क्योंकि उससे हम आइडिया लगाते हैं कि हमें कहाँ पर वर्क करना है, ठीक है? जी चलेगा सर, ओके। हाँ ऐसे बात करने से एक पूरे बैच के बारे में आइडिया हो जाता है सबको कि कौन एग्जैक्टली, क्या ठीक है। है, और जो कि अभी बहुत हमारा जरूरी होता है। और अभी हमारा बैच भी नहीं चल रहा है, तो हमारा टाइम भी नहीं जा रहा है, जी सर, ठीक है? चलेगा जरूरी सर, बातें करने से काफी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब, ठीक है। अब इसमें एक चीज आइडिया लगता है ना, देखो क्या होता है कि अगर तुम्हारा पास आउट ईयर ज्यादा है, तो मुझे तुमको जी ज्यादा सर, काम देना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर ज्यादा जी सर, स्किल दिखानी पड़ेगी, जी सर, जी सर, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्या होगा, कंपनी एक्सपेक्ट करती है ना मोर एक्सपीरियंस, जी सर, तो फिर तुम्हें हम, अब तुम अगर तुम लापरवाही करोगे तो मैं तुमको याद दिलाता रहूंगा कि मिश्रा जी तुम 2015 के पास आउट हुए, और जी अगर तुम बिल्कुल सर, इस लेवल पे बिल्कुल काम करोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल तुम्हें भी लगेगा अरे यार साहब बेइज्जती कर रहे हैं, कर लेते हैं काम, ठीक है? बिल्कुल सर, इसलिए मैं सबकी कुंडली जो है बना के रखता हूँ अपने पास, और उस कुंडली के हिसाब से आगे चलते हाँ कुंडली के हिसाब से फ्यूचर तय होता है ना। हैं तो वही यहां पर भी हम करते हैं, पहले कुंडली लिख लेते हैं, तुमने बोला मैं इधर सब लिख लिया, तो क्या होगा मेरे पास जी नोट सर, डाउन हो जाता है कि अभी एग्जैक्टली सबके लिए बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली हमें कितना काम करना है। तो जिसका भी करियर गैप ज्यादा होता है, उससे हमें ज्यादा एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि बाकी लोगों का तो ठीक है, उनका तो होना ही होना है, बट करियर गैप वालों के साथ प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, है ना? जी सर, अगर हम फेक एक्सपीरियंस भी दिखाते तो हमें काम तो आना चाहिए ना, एटलीस्ट एग्जैक्टली कहीं एग्जैक्टली, कहीं। बहुत सही बात बोला कि एक्चुअली फेक एक्सपीरियंस दिखाना ही क्यों, ठीक है? हम इतना नॉलेज ऐड कर लेना जी कि हो जाए काम। सर, वो मतलब कहने को होता है ना, जब कई हाँ कई लोग फेक एक्सपीरियंस दिखाते हैं, तो अगर हम दिखा रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उसके बारे में नॉलेज तो होना जरूरी है ना, अभी ताकि मेरे वहां पे सामने
क्रॉस क्वेश्चन होगा तो हम क्या ही बोलेंगे। अभी मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को बोला कि अपने कंपनी में मुझे दिखा दो। मैंने कहा ये ब्लैक बेलिंग वाला काम मुझसे मत करवाओ, ठीक जी सर, है। नहीं हाँ सॉरी बोलो, सर, हाँ बोलो बोलो नहीं बोलो बोलो। एक्चुअली एक्चुअली मैं बताऊँ सर क्या हुआ है। हाँ वर्धमान में यहाँ पे सर एक पोस्ट थी एज सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, तो मैंने वहाँ के लिए अप्लाई भी किया था, तो मेरा इंटरव्यू भी हुआ। करेक्ट, इंटरव्यू एक्चुअली बहुत अच्छा गया, 90-95% बहुत अच्छा गया मेरा। करेक्ट, तो उनके पास लास्ट ऑप्शन क्या बचा था, एक्चुअली क्या है यहाँ पे थोड़ा मतलब रहता है एक रेफरेंस टाइप का रहता है ना सर, सिफारिश टाइप का। करेक्ट, तो उन्होंने सर मुझे क्या मतलब बोलते हैं ना कि एक्सक्यूज क्या दिया है उन्होंने कि आप अभी 7-8 महीने से 8-9 महीने से एक्चुअली इससे थोड़ा दूर हो, एग्जीक्यूशन से दूर हो, आप कंस्ट्रक्शन लेवल में मतलब मैनेजिंग लेवल में चले गए हो, तो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूशन का ज्यादा रहेगा, तो हम आपको इसलिए जॉब नहीं दे सकते हैं एक्चुअली। वो ओके, ये 8-9 महीने का गैप है सर, ये जरूर वो मतलब उनके पास एक एक्सक्यूज हो एक्सक्यूज हो जाता जाता है है। चीज को देने में। हाँ, लेकिन मैं इसको दूर कर देता हूँ। कैसे, मैं इंटर्नशिप का प्रॉपर एक्सपीरियंस दिखा दूंगा। इंटर्नशिप में ये चीज़ सीखा हुआ है, और ये काफ़ी बोल्ड होगा ये चीज़ें, कि ये चीज़ें हमने सीख रखा है। तो क्या होगा कि सामने वाला ये नहीं बोल सकता कि अभी तुम करंट में उससे टच में नहीं हो। भैया इतना देख लो, तुम इतना तो हम सीख रहे हैं, अब पूछ लो, इतनी मास्टरी करवा दूंगा कि तुम बता सकते हो। ठीक है, सर एक इसमें जैसे अभी एग्जीक्यूशन में एक्चुअली इंडिया में क्या है, हमारा नॉर्थ अपने नॉर्थ साइड में मैक्सिमम आपको तो आप नॉर्थ साइड से तो आपको तो पता होगा डिजाइनिंग वगैरह में इतना बिलीव नहीं करते हैं लोग, ज्यादातर मतलब एग्जीक्यूशन वगैरह में बिलीव करते हैं। तो मतलब BIM का मैक्सिमम बेनिफिट इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया है सर? इंडिया में है वो कंपनियां जो बाहर के प्रोजेक्ट्स उठा के इंडिया में करती हैं, वहाँ बहुत बेनिफिट है। ठीक है, इंडिया में तुम्हें सर्च करना पड़ेगा वो कंपनियां जो कि बाहर के प्रोजेक्ट्स, जनरली तुम पुणे में, मुंबई में, बेंगलोर में और गुड़गांव में, ऐसे कंपनीज तुमको ढेर सारे मिलेंगे। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर ऐसा होता है। वो लोग फॉरेन के प्रोजेक्ट्स उठा के इंडिया में करते हैं और बहुत अच्छी सैलरी पे करते हैं। मतलब अभी ये एज ए IT की तरह काम कर रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में लेबर चार्जेस कम है तो बाहर कम के है। काम IT वाले जैसे आते हैं वैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं। अभी मेरा एक दोस्त है, वो क्या करता है, $25 $20 पे काम उठाता है बाहर से। ठीक है, अभी उसने कंपनी बिल्ड कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, तो $20 पे उठाता है। उसके बाद मुझे बोलता है यार कुछ लड़के दे दो मुझे, और मैं उनको $5 पर आज दे दूंगा। ठीक है, जब भी उसको नीड होती है तो मेरे को जरूर कॉल करता है। तो अभी $5 भी दिया तो हमारे लिए कितना हो गया, 7 बजे 35, 350 रुपये पर घंटे हो गए, राइट। और हमने, और हमारे पास एक अच्छी सैलरी पे आउट हो जाती है एज अ फ्रेशर। ठीक है, लगभग हम लोग आराम से 25,000 30,000 कमा लेते हैं। थोड़ा संजीव, तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इसको बंद कर देना भाई को। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो जाता है कि इंडिया में मैक्सिमम फॉरेन के काम अगर करते हो तो बेस्ट रहेगा। बस उसमें ध्यान देना है कि कम्युनिकेशन की बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कम्युनिकेशन वीक है ना तो BIM में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने कम्युनिकेशन की क्लासेस आपको फ्री में दे रखी है, अभी आगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना है, लेकिन हाँ उसमें से जो रेगुलर नहीं रहता है उनको रिमूव कर देता हूँ मैं। रीजन ये होता है कि वो क्वांटिटी दिखेगी, कोई करना नहीं हो तो उसको क्या मतलब है ना। और जी सर, वो मैं किसी को ये भी नहीं बोलता कि आपको करना ही है, मैं ग्रुप का लिंक भेजूंगा, ज्वाइन उसी को करना है जो अटेंड करे, है ना, बिल्कुल सर, चलेगा। क्योंकि देखो अभी इंडिया में तुम फॉरेन के क्लाइंट से अगर बात करोगे तो भाई कम्युनिकेशन तो चाहिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल कम्युनिकेशन ठीक है, चलो अभी मैं कॉन्फिडेंस अपने वर्क पे चाहिए ही चाहिए। ओके ठीक है, अभी अभिषेक सिंह जी, थैंक यू सर। ओके द मोस्ट वेलकम। ठीक है, अभिषेक सिंह, सिंह साहब द ग्रेट, आपके आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, हाँ आपसे बोलो, कहाँ से गुड हो? मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग, गुड कुशीनगर मॉर्निंग, से हैं। कुशीनगर से हो। तो तुम अभी तुम जॉब तो नोएडा वगैरह में ही प्रिफर करोगे ना? जी सर, नोएडा के लिए ओके, गुड़गांव। अब से तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? 2016 है सर। 2016, ओके। और उसके बाद तुमने कुछ सीखा था, कुछ काम वगैरह किया है? नहीं सर, मैं तैयारी कर रहा था सर गवर्नमेंट जॉब की। ओके, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तुम, और जी उसके बाद तुमने अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं गेन किया है, चलेगा। और कुछ नहीं सॉफ्टवेयर वगैरह कभी नहीं सीखा मतलब पहले ना? सर, थोड़ा बहुत स्टैट को सीखा था कॉलेज टाइम पे, बट अभी ओके इतना। चलेगा, ठीक है अभिषेक, कोई बात नहीं। बाकी तो मुझे तुम्हारे बारे में पता है, इतना मुझे जानना था जो मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, बाकी आगे मैं तुमको बताऊंगा क्या कैसे कर सकते हो और अच्छे से कैसे। मैं कॉल भी करने वाला हूँ, इवन सबको ही करने वाला हूँ, 2 दिन के अंदर सबके पास कॉल जाएगा। ठीक है, चलेगा। क्लास टाइमिंग सब क्या होगा? यही टाइमिंग रहेगा अभी के लिए, आगे एक टाइमिंग इवनिंग में करने वाले हैं।
ठीक है, और होप सो लंबा लंबा, हाँ 10:30 to 12 अभी रहेगा, आगे हो सकता है यही टाइम रात को, 12 नहीं होगा, थोड़ा पहले कर लेंगे, ठीक है चलेगा। ओके, वैसे मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि टाइमिंग कुछ भी हो पढ़ते, ओके मेरे पास अभी लास्ट जो बैच है वो मेरी 12 बजे तक ही रहती है, 10:30 से 12 ही एक बैच है रात को भी, ठीक है। तो अभी कैसे करना होता है कि डेफिनेटली अगर आपके पास, देखो मैं यहाँ पर ना 200 लोगों को ऐड कर दूँ समझदारी नहीं है ना, कैसे है कि फिर मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा ना, ठीक है अभी आप पर मैं फोकस कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये, तो इसलिए हमें पार्ट में ही करना समझदारी है, चलेगा आपसे। ओके ठीक है नाउ लाइक कम भी तुषार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तुषार, सर अगर मैं, हाँ बोलो। हाँ सर मैं एक्चुअली कल्याण महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। कल्याण से, ओके मैं 2021 से पास आउट हूँ ट्वेंटी और ट्वेंटी वन मैंने डिप्लोमा एज वेल एज बीई किया है सिविल इंजीनियरिंग में, ओके और मैंने 7 months एज अ साइट इंजीनियर एक लॉजिस्टिक्स पार्क में काम किया है भिवंडी इधर। ओके तो मोस्टली वहाँ पे आरसीसी प्लस पीईबी स्ट्रक्चर्स थे। आरसीसी था और पीबी भी काम किया था, जी, ओके और एक जी वेरी प्लस वन बंगलो भी था वही प्रोजेक्ट में। G+1, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है वहाँ का। जी सर, और मुझे सॉफ्टवेयर में ऑटोकैड और रेविट में, जस्ट पिछले महीने स्टार्ट किया हूँ। ओके ग्रेट, ओके ऑटोकैड तुम्हारे पास, रेविट तुमने स्टार्ट किया हुआ है, बहुत बढ़िया चलेगा। और क्या बोलते हैं तुमको, तो तू सर मेरे से कुछ जानना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये जाना था, आप जो जैसे जो बात कर रहे थे आउटसोर्सिंग होता है मतलब बीआईएम के लिए इंडिया में, राइट? करेक्ट, तो मतलब तो उनका इंपीरियल सिस्टम रहेगा ना शायद, यूनिट्स का फीट करेक्ट, नहीं वो तो यूनिट तो फीट इंच में रहता है वहां पे, फीट इंच में रहा। तो इंच में रहता है फिर बीआईएम में ये। मतलब आप जो सिखाने वाले वो हिसाब से भी सिखाने वाले हो क्या, मैं या फिर दोनों आप मान दोनों लिया दोनों? दोनों 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 ओके ओके। और सर मुझे थोड़ा टेक्ला और स्टैट प्रो का थोड़ा एक्सपोजर दे सकते हो तो अच्छा रहेगा। हो जाएगा। टेक्ला तो ऑलरेडी अपने सिलेबस में है, स्टेट प्रो के लिए मैं तुमको जब कॉल करूंगा तो मुझे बता देना, तो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कैसे कर सकते हो, ठीक है ओके ओके चलेगा। ओके तो सर ना शुभम से भी बात हो गई हमारी और संजीव से भी, ओमकार चीज ने, ओमकार और किसान बचे हुए, ओमकार अपना माइक ऑन कर लेना, भावेश भी हैं अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आज तुम लेट क्यों आए पहले ये बताओ। नहीं सर, चलो पता नहीं था, पता हैं, नहीं था ना, और उसे चालू होने वाला था ना, ओके तुम इसलिए। सोचे कि 10 तारीख से होने वाला, तो आज क्यों, आज हाँ इसलिए कि यस सर, क्योंकि कल ये चीजें करेंगे तो कल का हमारा टाइम वेस्ट में चला जाएगा ना, हाँ यस सर, यस सर। जो आज हमने यूटिलाइज कर लिया उसको, तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। बाकी दूसरी चीज ये है कि ओमकार तुमने पास आउट किया, तुम्हारा क्या है, अभी सर हुआ हूँ 2022 में, 2022 कौन से कॉलेज से किया हो, पुणे पुणे यूनिवर्सिटी, पीपीआईटी। पीपीआईटी से किया हो, हाँ ओके तो क्या बोलते हैं तुमने कुछ सीखा हुआ है यूट्यूब वगैरह से कभी, क्लास लगाए थे सर पिछले साल, ऑटोकैड रिवेट स्टैट प्रो ओके स्केचअप 3डी मैक्स। सब सीख लिया है। हाँ सर तो क्या हुआ है सर, मतलब जो जहाँ हम क्लास लगाए थे तो वहाँ फ्रेशर सिखाए थे, मतलब सिखाने आ रहे थे हाँ उनका नाम मत तो बताना बस, क्योंकि किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। हाँ जितना उनको आता था उतना ही सिखाया, सिखा कर चले गए सर, इसलिए थोड़ा लोकेशन बता दो मैं समझ जाऊंगा, सर। आंबेगाँव सर, बस हो गया, पुणे। ठीक ठीक समझ गया। तो ये तुमका तुम्हारा पूरा हिस्ट्री है कि तुमने थोड़ा थोड़ा बेसिक सबका सीखा हुआ है ना, सर चलेगा ठीक है। और जो प्रिफर्ड लोकेशन मुंबई थाने, जैसा तुषार का है कि मुंबई थाने, हाँ मैंने तुम्हारा कल्याण लिख लिया, मतलब तुम मुंबई थाने पुणे सफिशियंट है तुम्हारे लिए, तो मैं समझ गया मुंबई पुणे, यस चलेगा। तुम्हारा भी तुम ओमकार यही होगा लगभग, मुंबई पुणे ही होगा जहाँ तक है जॉब लोकेशन सर, ना, यस सर, मुंबई पुणे। चलेगा चलेगा ओमकार, बाकी मुझे तुम्हारे बारे में आदत तो पता है सब कुछ, ठीक है ओके ठीक है। चलेगा। ओके अभी किसान से बात करते हैं, किसान ये भी हेलो सर। गुजराती आदमी है ये, हाँ जी बोलो बोलो हाँ बोलो किसान। सर, सर माय नेम इज किशन, आई एम फ्रॉम कच्छ गुजरात। यार मैं तुम्हारा नाम गलत लिखता हूँ ना, किशन बोलना चाहिए ना मुझे, हाँ आओ सॉरी यार, ठीक है। तो तुम वहां से गुजरात से हो और तुमने, तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है, पास आउट ईयर सर 2021। 2021 है, ओके ग्रेट। और तुमने अभी तो जॉब किया नहीं, वो इंटर्नशिप का तुम्हारा कुछ चल रहा था ना, सर लास्ट ईयर में था तब मैंने ऐसे पापा के साथ हाँ एक दोस्त के यहाँ पर उनके काम किए थे ना, G+1 का रेसिडेंशियल बंगलो, मतलब वो साइट देखा था, फिर हाँ ऑटोकैड इधर लोकल इंस्टीट्यूट के पास सीखा, और चलेगा स्ट्रक्चर के पास स्ट्रक्चर ड्राफ्ट में जॉब किया।
बट अब ओके मुझे को ऐसा लग रहा है कि इधर स्कोप तेरा कम है। गुड, करेक्ट है। तो अभी तुमको अगर सही तरीके से करोगे तो होप्स हो कि बहुत जल्दी तुम मॉडलिंग करने लगोगे, और बीम का पूरा काम अगर सीख गए ना तो तुम्हारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूस्टिंग हो जाएगा, और होप्स हो हम लोग अच्छे से करेंगे। बाकी तो तुमसे मेरी डिटेल में बात हुई थी, तो और क्या बोलते हैं, बाकी और कुछ भी डिटेल रहेगा तभी तुमको मैं कॉल करूंगा, तो मुझे उस टाइम पे भी इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? सर मेरे को बेसिक ऑटोकैड आता है, हाँ हाँ रेविट और उनका ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस की यार नीड ही नहीं है, इट्स जस्ट मुझे ये गो थ्रू होना है जब मैं आपका इंटरव्यू लूँ, तो थोड़ा टफ लूँ कि थोड़ा हार्ड सिंपल लूँ, इसके लिए मुझे जानना होता है, ठीक है? अच्छा मैं एकदम से बेसिक से चलने वाला हूँ, कोई भी बिल्कुल घबराना ही मत, ठीक है? जिसको आता है वो घमंड मत करना, और जिसको नहीं आता वो घबराना मत, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक्चुअली जो आता है आपको सफिशियंट नहीं है, ये फिक्स है, ठीक है? तो इसलिए हमें, जैसे ऑटोकैड भी तुमको अगर आता है ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी बहुत सी चीजें ऑटोकैड में आपको नहीं आती है, तो हम कैसे सीखेंगे? एकदम जीरो से जानना इसलिए चाहता है क्योंकि कल को अगर जो मैं तुमसे, डेफिनेटली हर किसी से अलग तरह का क्वेश्चन होगा, मैं मिश्रा जी से थोड़ा ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? संजीव से और ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूंगा, हो सकता है किशन से थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछूंगा, मतलब थोड़ा कम हार्ड पूछूंगा, बाकी धीरे धीरे तो जब इनका लेवल बढ़ने लगेगा तो उसके हिसाब से, तो सीवी के हिसाब से डिसाइड होता है किससे क्या पूछा जाएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है? और सीवी ही आपका प्रेजेंटेशन होता है, आपकी सीवी पूरे इंटर्नशिप में लगभग 15 से 20 बार चेंज करवाऊंगा। आप बोलोगे सर 15 से 20 बार? यस, आज आपको एक मेल जाएगा, और मेल सॉरी व्हाट्सएप पे ही सब कुछ करेंगे, इजी रहता है। व्हाट्सएप पे एक सैम्पल रिज्यूम जाएगा, एक एक्सपीरियंस का, एक फ्रेशर का, आप दोनों को देख के जो लोग फ्रेशर्स हैं उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे, जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। फिर उस रिज्यूमे को मैं चेक करूंगा, रिज्यूमे आपका तब तक शॉर्टलिस्ट नहीं होगा जब तक कि वो एटीएस सॉफ्टवेयर से मैच नहीं करेगा। एटीएस सॉफ्टवेयर होता है जिससे सीवी डिटेक्ट होती है कि ये एक्यूरेट है कि नहीं उस चीज के लिए, उस प्रोफाइल के लिए एक्यूरेट है कि नहीं। तो वो सब मैं आपको उसके अकॉर्डिंग, हर कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी में अप्लाई करना मतलब अप्लाई नाउ से रिज्यूम नहीं कभी शॉर्टलिस्ट होगा, कंपनी के प्रोफाइल को देख के, उनके काम को देख के तब मैच कराना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए, अगर वो मैच करा पाए तभी तुम्हारी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी, ये हमेशा याद रखना। वो हम लोग यहाँ ट्रिक सीखेंगे कैसे कैसे करते हैं, उसका टेंशन नहीं है। चलो अभी आते हैं भावेश के पास। भावेश, भावेश मेरी आवाज आ रही है? तुम्हारी नहीं आ रही, मेरी भी आ रही हेलो। है। हाँ भावेश बोलो। हाँ यस सर, यस सर। भावेश तुम्हारा पास आउट ईयर क्या है? हेलो तुम पुणे से हो भावेश? सर, भी मेरा नो नो सर, आई एम फ्रॉम नंदुरबार। नंदुरबार से हूँ सर, नंदरगांव? हाँ यहाँ नंदरगांव पे से हो? महाराष्ट्र और हाँ पता है पूरे नंदुर नंदरगांव। नहीं नंदुरबार सर, ओके यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे आता हूँ। ओके, तो गुजरात में जाना चाहोगे कि महाराष्ट्र में जाना चाहोगे? दोनों में चलेगा सर। अच्छा ठीक है, तो एमएच में भी देखोगे, गुजरात में भी दोनों, देखोगे? यस सर। ओके ओके सर आई एम आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा ओके, एंड आई एम पास आउट ऑफ 2021। डिप्लोमा किया तुमने 2021 में, कुछ काम वगैरह भी कभी किया है? हाँ सर, 6 मंथ का साइड एक्सपीरियंस है मुझे। 6 मंथ का साइड एक्सपीरियंस है, और थोड़ा बहुत एजुकेशन जानते हो, राइट? ठीक है, और तुम्हें कुछ मेरे से पूछना है? सर भाई, आप जो सॉफ्टवेयर दोगे ऑटो कैड या वो आप करेक्ट। डायरेक्टली मतलब फाइल सेंड करोगे क्या अभी मैं हमको, तुम्हें दिखाने करना जा रहा पड़ेगा हूँ कि, फाइल? मैं तुमको स्टेप दिखाने जा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है? मैं सेंड करूंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, मैं डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा, तुम वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है? और उसके बाद उसको इंस्टॉल कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, कोई डाउट आएगा इंस्टॉल करने में वो भी मैं हेल्प करूंगा कि देखो ऐसे सॉल्व कर लो इस डाउट को, ठीक है? हम कराएंगे सब कुछ तुमसे, रीजन ये है कि जब तुम करना सीख लोगे ना तो कल को तुम्हारा सिस्टम फॉर्मेट हुआ, तुम्हें किसी और की नीड नहीं होनी चाहिए, तुम्हें खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, है ना? ठीक है, यस सर, तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया कि भाई मुझे पता है कि कैसे करना है, ठीक है? तो अपना आराम से बैठ के कर लिए, तो हम तुमको अभी स्टेप दिखाने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप वही हम लोग का है, और आज करवा लेंगे जिससे कि कल का हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, कल प्रैक्टिस कर पाएंगे हम लोग, ठीक है? तो सभी लोग अभी ठीक है, तो भावेश इतना सफिशेंट है, मेरे को शॉर्ट इंट्रोडक्शन सबका ही मिल गया, तो ऑलरेडी कई लोग से मेरी ऑलरेडी बात हुई है, बट फिर भी लिख के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होता है कि आप लोग कई चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है? आपको बहुत से चीज़ों की नॉलेज होगा, हाँ, 1 मिनट मिस्टर जी, 1 मिनट। हाँ, तो ओके कई चीज़ों का नॉलेज होगा आपके पास, बट उस नॉलेज की लिस्ट नहीं होगी आपके पास, तो कोई अगर अचानक से पूछ ले कि आपको क्या आता है, आपको पता ही नहीं है। एक्चुअली में आपको बहुत कुछ आता है बट आपको आइडिया नहीं है कि क्या क्या आता है, ठीक है? तो जैसे ये आपका लिस्ट हो जाएगा कि मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, कॉन्फिडेंस इतना तेज रेज होगा कि पूछो मत। सीधी सीधी बात है कि जिसको पता है कि मेरे पास, जब मान लो कि मेरे को टी शर्ट पहनना है, ठीक है? तो मैं कैसे कि मेरे पास टी शर्ट बहुत होंगे, लेकिन अगर मैंने उसको अरेंज करके नहीं रखे होंगे ना,
कंफ्यूजन होगा, पता नहीं कहाँ रखा होगा, कभी कभी बेड के नीचे घुसा रहता है, कभी किसी जगह पर घुसा हुआ है, तो मतलब कि मिल ही नहीं रहा है। तो वही हाथ हमारे नॉलेज का भी होता है, हाथ तक काफी कुछ है बट उसको सही तरीके से नहीं रखा हुआ है, इसके वजह से गड़बड़ होता है। और गुरुकुल में उसको सही अरेंजिंग ऑर्डर में लाइब्रेरी बनानी है उसकी। हाँ मिश्रा जी, आप बोलो। सर जैसे मैं पूछ रहा था सर, इसको हाँ डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है हाँ वो, अगर स्लॉट है तो सर वो भी ज्वाइन करना चाहेगा। हाँ डिप्लोमा ले कर सकते हैं, डिप्लोमा के लिए सबसे बेस्ट प्रोफाइल BIM होती है। जी सर, वो एक्चुअली मैं अभी वर्किंग है, कोई हाँ सन इंडस्ट्रीज करके गुजरात का कोई स्टार्टअप टाइप है, वो करेक्ट, उसके थ्रू US के प्रोजेक्ट ऑटोकैड वगैरह पे करता है, वो पता है वहाँ मुझे पे इस इंडस्ट्री, वर्किंग है। हाँ वहाँ तो सर अहमदाबाद में उसे, है। जी सर जी सर, जो तो सर वो भी मतलब अभी मैसेज किया है कि मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसको बोल दो टाइम अगर मैच करना चाहता है तो मैच कर ले, ठीक है। सर टाइमिंग का वही देखें, उससे बात करना पड़ेगा कि टाइमिंग हाँ यही चलेगी। टाइमिंग कर सकता है तो बोल दो, जी मेरा नंबर दे देना या सर तो फिर टाइमिंग का बोल देना, अगर कर ले तो कर ले, वो मैं नंबर तो दे दूंगा आपका, चलेगा बात कर लें। ओके चलेगा। ओके मिस्टर जी, चलो अभी मैं बताता हूँ कि ऑटोकैड कैसे इंस्टॉल करना है। जिसके पास है बेल एंड गुड, कोई भी वर्जन है, इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है सर। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स विल कवर्ड, वी और वुड वी वर्किंग ऑन, मैक्सिमम हमारा RCC रहेगा, ठीक है, स्टार टू इंड, थोड़ा बहुत स्टील हम लोग करेंगे, टेक्ला में पूरा स्टील रहेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। रेबिट में, ऑटोकैड में मैक्सिमम RCC ज्यादा रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं जॉब के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारा एजुकेशन जो होता है एक तो जॉब के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जब जॉब आपका परफेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखो किसी भी चीज का अगर जॉब कर सकते हो उसका अपना काम कर सकते हो, फिर मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गाइड करता हूँ कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। तो मैं आपको मार्केटिंग की भी टेक्निक्स बताऊंगा, हो सकता है किसी के यूज में नहीं आएगा बट सीख लो, क्यों कल को जॉब से थक गए तो फिर अपना भी तो कर सकते हो, ठीक है। और प्लस जो लोग केवल अपना काम करना चाहते हैं उनको भी मैं जॉब के लिए गाइड करूंगा, क्यों, ठीक है, अपना काम कर रहे हो, कल को डेफिनेटली देखो बिजनेस ऐसी चीज होती है कि फ्लॉप भी होता है सक्सेस भी होता है। फ्लॉप हुआ तो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि यस आई कैन डू दिस जॉब ऑल्सो, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोलते हैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कल को प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, क्या दिक्कत है, मैं किसी भी एमएनसी में अगर खड़ा हो जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि रिजेक्ट होगा, पैकेज ऊपर नीचे हो सकता है, 2 महीने के लिए पैकेज ऊपर नीचे होगा, उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू फाड़ दूंगा, क्यों, मेहनत कर लूंगा, मुझे पता है कि मेहनत में पीछे नहीं रहेंगे, 18 लाख 20 लाख आराम से अर्न कर सकता हूं अगर मैं किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री कर लूं। रीजन, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, मुझे पता है कि कर देंगे, तो ये आपके अंदर भी यही आ जाए, यही अपनी कोशिश रहेगी, ठीक है। चलो पहले दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से ऑटोकैड इंस्टॉल करना है, देन वी गो फॉर नेक्स्ट। आप मुझे से बता देना कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं, ठीक है मिश्रा जी, आप ही बता देना मुझे कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं मेरी। हाँ सर दिख रही है सर, ओके चलेगा, जी सर दिख रही है, दिख रही है। ओके ग्रेट। अभी हमें क्या करना है, www.getintopc.com पे जाना है, आज ये काम करना है हमें, लिंक मैं दे दूंगा इसका। और उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको ऑटोकैड का कोई भी वर्जन, आपको जो अच्छा लगे वो वर्जन कर लो, 20 तक के करना, उसके आगे के मत करना। रीजन ये है कि आगे के वर्जन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, ठीक है, अभी उनमें जी करेक्शन सर, चलता रहता है। मैंने रेविट यहीं से किया हुआ है, 2021 का मैंने प्रॉपर जैसे यहाँ पे जो प्रोसेस था उसको फॉलो करके किया, मतलब लगभग 2 महीने करीब चला, और सिस्टम अगर नेटवर्क से कनेक्टेड रहता था तो अपने आप उसने सिंक कर लिया था, करेक्ट, और अपने ही जो है उसको फेल्ड दिखा रहा था। फिर मैंने उसे अपने सिस्टम का डेट जो है 2 दिन पीछे करके तब उसको चला रहा हूँ ऐसे करके। ओके। इसमें ऐसा होता है कि अगर प्रॉपर क्रैक नहीं है चीजें, और प्लस दूसरी चीज क्या होती है, हायर वर्जन करोगे ना तो तुम फंसोगे, फंसोगे जी इन द सर सेंस कि वो कैसे होता है कि उसमें डिडक्ट हो जाता है। दूसरी चीज ये होता है कि कभी भी नेट चला के सॉफ्टवेयर चलाना ही नहीं चाहिए अगर क्रैक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो, ये रूल होता है। अच्छा, अब तो सर ये मुझे उसका वर्जन चेंज करना ज्यादा सही रहेगा या फिर ऐसे 2 दिन पीछे करके डेट को चलाऊं? वर्जन चेंज कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन सैटरडे संडे में करना, क्लास के टाइम पे मत करना। नहीं जी सर, अभी नहीं हाँ मैं करूंगा। बताऊंगा अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, क्लास में मेरे से पूछ लेना अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस, तब इसका अनइंस्टॉल पूरा अलग तरीके से होता है, ठीक है जी सर, जी सर, चलेगा। अभी देखो यहाँ पर आपको ऑटोकैड 2020 कर लो, ये बेस्ट है, ठीक है, बाकी किसी को 18 करना है कर लेना, 20 के आगे मत करना, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, कोई सॉफ्टवेयर का कोई चीज वर्क नहीं करेगा, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑटोकैड हमने डाला, 2020 डाला, फुल प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करना ऑटोकैड 2020 पे, तो इसके बाद यहाँ पर जाओगे, नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड 64 बिट, 64 बिट जस्ट क्लिक कर देना, जैसे ही क्लिक करोगे तुरंत ही यहाँ पर क्या आने लगेगा, अनइंस्टॉल होने लगेगा, क्या होने, सॉरी इंस्टॉल, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगेगा ऑटोमेटिक, ठीक है, जस्ट थोड़ा सा वेट कर लेना। ये देखो यहाँ पे क्या होने लगा, तुरंत ही ऑटोकैड इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया।
ये 1.4 GB का है, आराम से आप नेट से एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने का सॉफ्टवेयर कर ले लेना, लाइक आप कोई भी 2 GB 6 GB को रिचार्ज आते हैं ना छोटे छोटे, वो बूस्टर पैक, उनको डाउनलोड कर लेना, क्या 15 रुपये 20 रुपये के रिचार्ज होते हैं, करके फिर वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर होता है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, यहाँ पर पूरा स्टेप वाइज वीडियो दे रखा है, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड जैसे कर लोगे इस वीडियो को, तो तुरंत तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे वर्क करना है और ऐसे ऐसे इसको स्टेप वाइज करना है। और जब इंस्टॉल करना उस समय पे नेट ऑफ रखना, ठीक है, जब इंस्टॉल करना उस समय पे नेट को ऑफ रखना, नेट ऑफ रखोगे तभी अच्छे तरीके से इंस्टॉल कर पाओगे। एंटीवायरस को जरूर ऑफ रखना, ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है, एंटीवायरस को जरूर ऑफ रखना। उसके बाद लास्ट में इस सर्च बॉक्स में जाना, यहाँ पे विंडोज डिफेंडर की सेटिंग मिलेगी, ये मैं रिकॉर्ड दे दूंगा, कोई घबराना मत कि सर बहुत जल्दी हो गया, ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग तुमको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग पे चले जाना, यहाँ पर आके वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे जाना, और इसको जाके यहाँ पर मैनेज सेटिंग पे चले जाना, और यहाँ पर इसको ऑफ कर देना, इसको ऑफ कर देना, इसको ऑफ कर देना, इसको ऑफ कर देना। जैसे ही ऑफ सर नहीं दिख रहा करोगे, होता ओहो ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, थैंक यू बताने के लिए। एक मिनट फिर से करता हूँ, ये आजकल गूगल मीट में थोड़ा सा इशू हो रहा है कभी कभी। अभी दिख रहा है क्या? सर अभी दिख रहा है। ओके, एक्चुअली यहाँ पर सर्च बॉक्स में डालना है, और यहाँ पर डालना है कि विंडोज सिक्योरिटी ऑप्शंस पे जस्ट क्लिक कर देना है, और यहाँ पर ये दिख रहा है अभी स्क्रीन, विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग। नो सर, नहीं सर, ओके, एक्चुअली वो केवल विंडोज को रीड कर रहा है, हाँ क्रोम को केवल रीड कर रहा है, करेक्ट है। अब मुझे शायद स्क्रीन इंटायर करना पड़ेगा, ठीक है, अब ये देखते हैं, लेट्स सी, नहीं होगा तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो भेज दूंगा इसका, बट फिर भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आए, और यहाँ पर आके विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग, जैसे याद रखो विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग पे जाना है, वहां पर वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को ऑफ रख देना है, इसका मैं वीडियो भेज दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पर जाना मैनेज सेटिंग्स, और मैंने सेटिंग में जाके इसको ऑफ, इसको ऑफ, इसको ऑफ, मतलब उसमें कुल मिला के रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ रखना है, इसका मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा, सो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, कर लेना। अगर कोई दिक्कत आया तो स्क्रीनशॉट जरूर भेजना, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद, स्ट्रगल कैसे, मतलब यूट्यूब से भी रिसर्च कर लिया, गूगल से भी रिसर्च कर लिया, फिर नहीं आया तब डेफिनेटली तुम मैसेज कर देना, यहाँ पर तुम्हें उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस दूंगा, फिर भी नहीं हुआ तो मैं स्क्रीन शेयर करके भी हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, लेकिन ये कब लास्ट में करवाना है, ठीक है, अदरवाइज सब बोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बाकी लोग तो कर ही लोगे, मुझे पता है ऑटोकैड तो बहुत ईजी है, ठीक है, करो, कुछ दिक्कत आएगा तो होगा। अभी मैं आपको ऐप के अंदर कैसे इन्वॉल्व होना है बताऊंगा, एक वीडियो भेजूंगा, इन केस नहीं हो पाया तो मुझे मैसेज कर देना, मैं खुद से ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कल से एंजॉय करेंगे, कल से हम लोग प्रॉपर क्लास करेंगे, तो उस तरीके से क्या बोलते हैं, प्रॉपर हमें सीधे पूरे स्टेप समझ में आ जाएंगे और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है जी। चलो, हेलो हेलो सर, हाँ भावेश बोलो। सर मेरे पास जो ऑटो कैड का वर्जन है वो 2013 का है सर, नहीं 15 के आगे का होगा तो चलता, 13 का उसमें मत पूरा करो, इंटरफेस चेंज है सर, हाँ इसीलिए मैंने बोला कि 15 के आगे का होता तो चल अनइंस्टॉल जाता, चेंज कर दो उसको, कर दूंगा सर। अनइंस्टॉल कर दो उसको, कैसे करना ठीक है, है सर्च बॉक्स में जाके अनइंस्टॉल टूल पे जाना, वहां से अनइंस्टॉल कर देना, ठीक है सर, ठीक है, हाँ। कुछ बोल रहे थे शुभम, तुम बोल रहे थे कुछ? हाँ सर, जैसे मैं एक सवाल था सर, जैसे अभी हम लोग अभी तो बिम मॉडलिंग का हम लोग सब सीखेंगे प्रोसेस, इसमें सर जैसे टेक्ला हो गए, स्ट्रक्चर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, तो इसमें जैसे आपने कहा कि हम लोग आरसीसी वगैरह का सर इसमें पढ़ेंगे करेक्ट सर, तो जैसे एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे अगर एक अच्छी होती है लड़के की तो वो करेक्ट सॉफ्टवेयर में अच्छा परफॉर्म कर पाता है सर, तो क्या सर, क्योंकि मेरी पर्सनली सर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है थोड़ी वीक है, तो मैं उसको करता जाता हूँ अपने हिसाब से रिफाइंड, बट सर क्या आप मतलब कंसेप्चुअल भी क्लियर करा देंगे सर? बिल्कुल, कॉन्सेप्ट तो मेरे मेन तो अपना जो आधा घंटा होता है डेली का उसमें कॉन्सेप्ट ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अच्छा अच्छा यहाँ तक कि हम कॉलम को ओरिएंटेशन तुमको भी बताएंगे कैसे चेंज करना होता है, ठीक है। तो इवन हम ये भी नहीं, हम तो ये भी बताएंगे कि फुटिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि देखो मेरा स्ट्रक्चर्स तो एक्सपीरियंस है ही, ठीक है, तो हम मेरे मैं कैसे भी करता हूँ, मैं बीम से स्ट्रक्चर में चला ही जाता हूँ, ठीक है, तो मतलब कि दोनों प्रोफाइल हम ऑलरेडी सीखेंगे इसके अंदर, वो तो फिक्स है, थैंक यू, ठीक है, ओके चले ओके। बाकी हम सबको कोई दिक्कत आएगा बीच में तो हमारा 15 दिन के बाद एक अलग से सेशन होता है, ऐसे गूगल मीट टाइप का ही, उस सेशन में हम ये डिस्कस करते हैं कि अभी आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस टाइम पर आप नोट डाउन कराते हो कि सर मुझे अभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तक में,
तो हम क्या करते हैं, अच्छा नेक्स्ट टाइम उसको भी सिलेबस में कवर कर लेते हैं। तो सिलेबस हमारे बार बार चेंज होते हैं, रीजन जहां जो रिक्वायरमेंट है हम वहीं तक पहुंचते हैं। और आई थिंक वही सबसे अच्छा तरीका है कि आपको जहां पर जिस चीज की तकलीफ है उसी की दवाई आपको मिले तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलो कल इंजॉय करेंगे अपने सेशन को इस टाइम पे। सर, और हाँ बोलो बोलो लो मिश्रा बोलो। सर जैसे कि रेविट तो सर काफी बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसमें कई सारे काम होते हैं, तो सर करेक्ट जैसे उसमें रेविट में आर्किटेक्चरल है, स्ट्रक्चरल है, एमईपी है, सर करेक्ट। जैसे स्ट्रक्चरल वाला पोर्शन भी सिलेबस में कवर होगा कि देखो कुछ हमारा नहीं होगा? मेन जो रहेगा वो रेविट आर्किटेक्चर रहेगा, रेविट स्ट्रक्चर रहेगा, रेविट फैमिली रहेगी, रेविट एस्टिमेशन रहेगा, ये मेन है। ठीक है, एमईपी सर, एमईपी नहीं एमईपी बिल्कुल है, लेकिन ये मेन है जो सिविल इंजीनियर को लगेगा। जी एमईपी सर, कितना रहेगा, एमईपी तुम्हें एक्चुअली पूरा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, रीजन क्या जी होता सर, है, एमईपी पूरा एचवीएसी का कॉन्सेप्ट है, मैकेनिकल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जी सर, एमईपी की जी ड्राफ्टिंग सीखेंगे हम लोग। ठीक ओके है, क्योंकि एमईपी पूरा हाइड्रो जो क्या बोलते हैं हाइड्रोलिक सब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड करता जी है, सर, तो वो तो जी सर, हमारे क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स को कौन पढ़ पाएगा पूरा, तो इसलिए जी सर, उसकी ड्राफ्टिंग। बट जो सिविल इंजीनियर को लगता है वो पूरा जितना सिविल इंजीनियर को लगता है उतना तो पूरा पढ़ेंगे वो। और रेविट स्ट्रक्चर और रेविट आर्किटेक्चर को एकदम डिटेल में जाना है जहां तक जान सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में जो जी जॉब सर, लगने वाला है इसी पे लगने वाला है। जी सर, ठीक है, और बाकी इसके बाद टेकला पे देखो, तीन सॉफ्टवेयर हम ज्यादा फोकस करेंगे, ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर और टेकला, इनको पीना है जी सर, क्योंकि इन्हीं पे जॉब लगेगी। जी ठीक है, सर, बाकी 3ds Max है, स्केच है, अभी सब तो तुम खुद से भी सीख पाओगे, मैं सिर्फ तुमको बताऊंगा ये वो तो लेक्चर सर वेस्ट नहीं। सिर्फ डिजाइनिंग के, वो तो सिर्फ डिजाइनिंग के लिए हो जाता है, कलर मटेरियल टेक्सचरिंग ये सब एग्जैक्टली के, वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, बाकी सिविल सिविल का मेन कोर तो यही है, स्ट्रक्चर यही और ये सारी करेक्ट। चीजें। टेकला और रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर और ऑटोकैड, इन्हीं पे हमारा मेन फोकस होगा। एक्चुअली में लगभग 2.5 से 3 महीना इसी पे जाने वाला है, बाकी 1 महीने में सब हो जाएंगे, क्यों जी उनमें हम सर, ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, जी चलेगा। और बाकी तो अपना जो भी लेक्चर मिलेगा ना ये लाइफ टाइम के लिए तुमको मिल जाएगा, टेंशन ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो पढ़ते रहो, दोबारा भी रिवाइज कर लो, तिबारा रिवाइज कर लो, क्या फर्क पड़ता है ना। वो तो करना ही पड़ेगा सर, बिना रिवीजन के काम नहीं बहुत चलता है। बहुत गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में यही तो देखे हैं, रिवीजन भले एक क्वेश्चन आसान हो फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आपको एग्जाम टाइम में याद होने चाहिए, वहां दिमाग नहीं लगाना है, करेक्ट क्वेश्चन पढ़ते आपको आंसर क्लिक करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। करेक्ट है। ओके जी चलो, थैंक यू सो मच, होप आप लोग को एंजॉय हुआ होगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा कि अब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, और डेफिनेटली अच्छा होगा, इसका मैं आपको सबको प्रॉमिस देता हूँ। ठीक है, बस इतना करना थैंक है यू सर, कि लेट नहीं करना है, अटेंडेंस पूरा रखना है, 80% मतलब 80%, कोशिश करो 100 हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, आपकी कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। चलो थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। अभी ऐप में कैसे रजिस्टर करना है आपको वीडियो शेयर करूंगा लगभग 1 बजे के बाद, थोड़ा नहाऊंगा, अभी कुछ खाया पिया नहीं हूँ, खा पी के फिर आपको आराम से भेजता हूँ। चलो बाय बाय, थैंक यू सर, ओके। ओके, मोस्ट वेलकम।